पहले एक्सीडेंट करोगे? हाँ फिर छोड़ बनवा दूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज हम जो है ड्रामे की शूट के पर आए हुए हैं और ये जो है सीवीओ के बैक साइड वाला पार्क है, ये इसको सिक्स सिग्मा वाला पार्क कहते हैं शूट पर। तो सुबह के टाइम ये तकरीबन 8 बजे शूट जो है स्टार्ट हुई है यहाँ पर, लेकिन आयो मसला ये था कि आज जो है लेट अलग हो गया था मैं और फिर ये प्रॉब्लम अलग कि गाड़ी को भी बचाना है, फिर जो है कार तो मैंने घर पर ही खड़ी करी है, तो आज मैं बाइक के पर आया हूँ यहाँ पर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के बस बाल बाल बचाऊँ मैं, क्योंकि लेट और ऊपर से कभी भी इंसान को जो गाड़ी तेज़ नहीं चलाना चाहिए, कि 2-3 जगहों से काफ़ी बचाऊँ, बस अल्लाह पाक ने खैर करी। तो बस ये है कि कहीं पर भी आप जाएं तो तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे का डिफरेंस रखें, कि जहाँ पर हम जो है जहाँ पर कहीं पर भी जाएं, ऑफिस जाएं या शूट पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन 1 घंटे का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए कम से कम। क्योंकि देखें, इंसान 1 घंटे के अंदर आराम से नाश्ता भी कर सकता है और आराम से अपने ऑफिस भी पहुँच सकता है। तो आज जो है ये ड्रामे की शूट चल रही है, इसके अंदर हमारे पास 2 करेक्टर हैं, दिन दिन के सीन है ये, और बस रात का एक सीन है, तो फिर ये कट हो जाएगा। मतलब ड्रामे का नाम तो भी नहीं पता है मुझे, लेकिन मेरा फर्स्ट डे है आज, तो देखते हैं कि जो है क्या क्या सीन है, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, क्या है। इसके अलावा जो है मकसद आज जो है एक्सीडेंट वाला सीन हो रहा है। ड्रामे का नाम तो मुझे नहीं पता, अगर मुझे ड्रामे का नाम पता पड़ेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलें फिर शूट इन्जॉय करते हैं, और मेरे मुझसे जितनी वीडियोस हो सकी मैं ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगा, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो पर्सनली होती हैं तो वो वीडियोस नहीं कर सकता। थैंक यू, और इंशाल्लाह ताला बस ये शूट चलती है, आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगा, शूट वगैरह के अंदर क्या होता है, हर चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है। तो चलें शूट के ऊपर चलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें कि ऑर्डर की शूट के पर कुछ लोग भी होते हैं जो इस तरीके से शूट वगैरह देख रहे होते हैं, तो इसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि अगर इंसान मंजे हुए एक्टर होते हैं क्यों फिर वो अपना सब कुछ जो है फॉरवर्ड हुए होते हैं। हमारी शूट्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सीन ऑन चल रहा है, कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, 2 मेट्रो भी खड़ी हुई है। जी फ्रेंड्स, तो शूट्स तो वगैरह चल रही है माशाल्लाह से, और आपको मकसद सारी शूट जो है कैप्चर भी करी है यहाँ पर, जो सबने इंजॉय किया माशाल्लाह, क्योंकि इसके अलावा जो काम होता है वो हाईलाइट कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, और मकसद ये पर्सनली होती है इस वक्त क्योंकि ड्रामा ऑनियर होने वाला है इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो भाई शूट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात, अगर कोई शूट वगैरह करते हैं जो हमारे भाई हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हों या गेटअप आर्टिस्ट हों या एक्टर हों या कोई भी हो, जो नए एक्टर हो या पुराने हो, आउटडोर पर हर खास तौर पर इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का, क्योंकि भाई देखिए ज़्यादा पानी नहीं पीना, और जो है खाना पीना काफ़ी ये प्रॉब्लम चलती है क्योंकि आउटडोर के ऊपर वॉशरूम्स वगैरह कहीं नहीं होते और मैनेज ही करना पड़ता है। तो ये कि आउटडोर पे जब भी जाएं आप, खाना पीना हर चीज़ बहुत हल्की रखें, चाहे पानी हो या खाना हो या कुछ भी हो, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि कोई जगह नहीं होती कि अगर किसी से बोल लें कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक इंसान जब आउटडोर शूट पे निकलता है तो उसको हर चीज़ अपनी इवन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, कि जो है हर चीज़ केयर टेंशन्स ना हो, इस बात का सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार चलो खाना पीना टाइट कर लो शूट पर आए हुए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है आप जब भी आउटडोर पर जाएँ हर चीज़ अपने पास रखें, चाहे जो है मेकअप के अलावा तो खैर हर चीज़ आप अपने पास ही रखें, मेकअप भी मतलब लड़कियां रखती हैं, लेकिन आउटडोर पे जब भी जाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और फिर जो भी हमारा जो भी
मकसद ये सब कुछ, फिर पानी वानी इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास आउटडोर के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर आउटडोर का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि यार अगर ऐसे करें तो वैसा हो जाएगा, वैसे करें तो वैसा हो जाएगा। तो ये है कि जो है इवन हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो है अमूमन कुछ लोग जो है आउटडोर के बाद टाइमिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों का कोई ख़ास ख्याल रखते नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो है लोगों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर शूट्स वगैरह के भाई हैं हमारे तो उन्हें भी यही चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि आप आउटडोर के पर कभी भी अपनी गाड़ी लेके नहीं चलें। अगर आप शूट्स वालों के साथ हैं उन्हीं की गाड़ी के अंदर जाएं, गाड़ी जो है अपनी लोकेशन पर खड़ी करें। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है अमूमन तो बात पर। और बस माशाल्लाह से जो है शूट्स कंप्लीट होने वाली है, डेटे का काम चल रहा था यहाँ पर। तो अगर आगे और भी कैप्चर्स होते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो जो है शूट तो हमारी पैकअप हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो है जो भी अगर कोई नई लोकेशन होती है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।